हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट की दुकान। तो आज हम बनाने वाले हैं स्कूल के लिए बुक मार्क्स। तो इसके लिए मैंने एक पुराना गत्ता लिया है, एक ग्राफ बुक जो होती है उसका गत्ता। फिर 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई में मैंने 3 बुक मार्क के लिए कट कर लिया है। अब इसको मैं वाइट कवर पेपर से ना तो क्लिप लगा के इसको अच्छे से कवर कर देंगे, क्लिप और पेपर की मदद से। आप चाहे तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी आपकी बुक की साइज़ है ना उसके अकॉर्डिंग भी लंबाई रख सकते हैं। और इसको हम ऐसे ही मैं तीनों तैयार कर लूँगी। तो हमारे तीनों बुकमार्क ऐसे रेडी हो गए हैं। अब हम इस पर अपने कलर की पेंटिंग करेंगे। तो फर्स्ट वाले पे मैं लिख रही हूँ कोई कोड, जैसे कि बी फोकस। तो इस पर ये पेन से लिख दिया है मैंने ताकि हम बाद में इसको हाईलाइट कर सकें। फिर यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन से छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं। तो अब इस पर हम वाटर कलर से डिज़ाइन बनाएंगे। मैंने वाटर कलर लिया है, उसको थोड़ा वाटरी पानी में ब्रश डुबो के फिर इसको कलर हल्का सा लेना है और ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है। ऐसे मैंने पिंक और येलो कलर का कर लूँगी। फिर जो हमें बैकग्राउंड जो वाइट है उसको ग्रीन करना है, लाइट ग्रीन। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन कलर पूरे में लगा दिया और उसको अच्छे से वाटर से स्प्रेड करना है, जिससे हमारा वाइट पार्ट जो है वो हल्का ग्रीन हो जाएगा। ऐसे ना हमारा बुकमार्क भी बन जाएगा और हमारी पेंटिंग भी हो जाएगी। तो ऐसे इसको हम करके अब सूखने के लिए छोड़ देंगे। बी जो फोकस लिखा है कोट, उसको हम बाद में हाईलाइट करेंगे लास्ट में। तो नेक्स्ट के लिए मैंने ना रेनबो वाला बना रही हूँ। इसके लिए मैंने स्केच यूज़ किया है। तो पहला वाला अच्छा नहीं बना तो लास्ट वाला आपको सिखाऊंगी कैसे बनाना है। पहले आउटलाइन कर लो कलर से, फिर उसको फिल करो। फिर जब ये सारे रेनबो बन जाएंगे तो इनके लिए हम बनाएंगे क्लाउड। सब पे क्लाउड बना लेंगे। फिर अब जो वैक्स कलर है उसकी मदद से हम एक रेनबो जैसा, मतलब बैकग्राउंड वाइट है ना, उसको कलर कर देंगे अलग अलग कलर से। तो ये वाला भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम बनाते हैं तीसरे वाला, जिसके लिए मैंने छोटे छोटे क्लाउड्स बनाए हैं कलरफुल। तो अब इस क्लाउड में जो है सेम कलर का वैक्स कलर कर देंगे। तो अब मैं इसके ऊपर ना अपने हैंडमेड स्टिकर्स लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर रही कौन सा लगाऊं। तो मुझे ये पसंद आया यूनिकॉर्न वाला और थोड़े से हार्ट्स। तो मैंने ये सब इसको पेस्ट कर दूंगी। ये स्टिकर्स मैंने कैसे बनाए उसका वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फिर इसके हम कोट लिख लेंगे। छोटा सा कोट लिखूँगी मैं यहाँ पर। और कोट लिखने के बाद ये वाला भी हमारा रेडी है। जो वाटर कलर वाला था वो सूख चुका है, उस पर मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट कर दिया है इस कोट को। और ये सारे तैयार है। अब छेद करना बाकी है ताकि उसके अंदर हम रिबन बांध सकें या कोई भी धागा या क्या बोलते हैं ऊन वगैरह बांध सकें। तो यहाँ पे छेद कर लें और फिर इसके अंदर ऊन रिबन धागा जो भी आपको लगाना है लगा लें। फिर हमारा क्यूट से हैंडमेड बुकमार्क तैयार है। आप ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।